आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3, क्योंकि हमने चैप्टर 2 में 2.13 तक किया है ना। कन्वर्ट की यूनिट वहाँ तक किया है कि मीटर को सेंटीमीटर बनाना, सेंटीमीटर मीटर बनाना, वहीं तक करना है। लास्ट एक्सरसाइज को हम अभी रिमूव कर रहे हैं, उसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर है पावर्स। पावर्स चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है, जैसा कि आप जानते हो कि 5 को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, 5 पावर 4 ऐसे लिखेंगे। इसको रीड कैसे करते हैं, तो 5 अराइज टू द पावर ऑफ 4 ये लिख सकते हैं, या फिर क्या रीड करेंगे, द 4th पावर ऑफ 5 कि 4th पावर किसकी है, 5 की पावर है, तो 4th पावर ऑफ 5 ऐसा लिखेंगे, ऐसा पढ़ेंगे उसको। अब यहाँ पे हम कि कोई भी नंबर है अगर वो रिपीट हो रहा है और उतने टाइम उसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम उसको पावर की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर कितनी होगी, जब एन बार मल्टीप्लाई होगा तो पावर भी एन होगी, 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो पावर भी 4 होगी, 5 बार मल्टीप्लाई होगा तो पावर भी 5 होगी। तो जो पावर है उसको तो हम बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर, और उस पावर के नीचे जो लिखा है उसको हम बोलते हैं बेस। तो ये आपको पता होगा, ठीक है। तो हम बेस किसे बोलते हैं, एक्सपोनेंट किसे बोलते हैं, ये हमने यहाँ पर देख लिया है। अगर आपकी पावर 2 है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर मतलब एक्स, अगर एक्स की पावर 2 है तो हम उसको स्क्वायर नाम से जानते हैं। स्क्वायर ऑफ नंबर बोलेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए पावर 2 लगेगी। क्यूब ऑफ ए नंबर बताया है तो पावर 3 लगी, क्यूब से मतलब पावर 3 का मतलब है। और माइनस की अगर पावर है तो उसको प्लस बनाने के लिए 1 के अपॉन में हो जाता है, जैसे इसके अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1 मान लेंगे तो 1 अपॉन x की पावर n हो जाएगा। तो ये फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक चीज़ और है, रेसिप्रोकल। अगर आपको रेसिप्रोकल नहीं, रेसिप्रोकल ऑफ a अपॉन b की पावर n का निकालना है, तो इस रेसिप्रोकल ऑफ इस वाले का जो आंसर आएगा वो आएगा b अपॉन a, पावर तो ए नहीं रहेगी, तो a अपॉन b का रेसिप्रोकल हो जाएगा b अपॉन a, और जो पावर लगी है वही पावर लग जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिक था, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक और बेसिक है कि 1 का मल्टीप्लाई कितनी भी बार आप करो, 1 का मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 तो भी 1 आया, 1 का 3 बार करोगे 1 आएगा, 4 बार करोगे, 5 टाइम 100 बार करोगे तो भी 1 आएगा। तो 1 की पावर कुछ भी हो, 1 का कितनी बार मल्टीप्लाई हो, कितने भी टाइम्स हो, रिपीट हो, 1 की पावर कभी भी कितनी भी हो, वो आंसर 1 ही रहता है, ठीक है। ये तो आपको पता है, चाहे वो पॉजिटिव पावर हो या नेगेटिव, है ना, नेगेटिव होगी तो उसको 1 अपॉन 1 लिख के हम सॉल्व करेंगे। तो एन ओज आर इवन, इवन और ओज अगर हुआ 1 की पावर तो भी आंसर 1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर -1 का 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो +1 आएगा, 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो -1 आएगा, 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो फिर +1 आएगा, 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो फिर -1। तो यहाँ पे कंटिन्यू चेंज हो रहा है, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस। तो इसका मतलब है -1 की पावर n है, तो -1 की पावर अगर n अगर इवन नंबर है, 2 आ जाए 4 6 8 आ जाए तो उसका आंसर +1 आएगा। और अगर n जो होगा वो ऑड नंबर है मतलब 3 5 7 तो उसका आंसर -1 आएगा। तो ये तो आपको पता होगा, जैसे यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब -1 की पावर क्या हो गई, 3 हो गई, 3 क्या है, ऑड नंबर है तो माइनस में आंसर आया। और 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर 4 हो गई, 4 क्या है, इवन नंबर है तो आंसर प्लस में आया। तो ये था, इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पर 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है, एमसीक्यू में द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ -64/125 इज, तो आपको ये पता है कि जो आंसर दिया है वो किसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसका आंसर ये आएगा या इसका आएगा या इसका आएगा या इसका। तो आपको पता है -64 कब आएगा, जब ऊपर का नंबर माइनस का हो, है ना, प्लस वाले का तो कभी माइनस में आंसर आएगा नहीं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, पावर वाले में लिखना। तो इस ये किसका सॉल्यूशन है, तो प्लस वाले का सॉल्यूशन तो पॉसिबल है नहीं, कि प्लस का आंसर प्लस में आएगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी प्लस के हैं इसका भी नहीं होगा, ये भी प्लस का इसका भी नहीं होगा, तो माइनस का ये है,
इसका सॉल्यूशन अगर आप करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, मतलब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म सी वाला है, सी का एक्सपेंडेड फॉर्म या सॉल्यूशन ये वाला है, तो आपका ऑप्शन सी है। तो डायरेक्ट आप माइनस से लॉजिक लगाकर कर सकते हो। इसके बाद सेकंड इज द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ 2/3 एंड 1/7, मतलब प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 2/3 का स्क्वायर करना है मल्टीप्लाई और 1/7 का भी स्क्वायर करना है, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा वो हम बताते हैं। तो सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ 2/3 एंड 1/7, तो 2/3 का स्क्वायर लगाया, 2/3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट निकालना है मल्टीप्लाई 1/7 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि 2 में 2 का इंटू होगा 4, और 3 × 3 स्क्वायर का मतलब क्या है, बेस जो होता है उसी का मल्टीप्लाई होता है, 3 × 3 3 का 2 बार मल्टीप्लाई तो 9, 1 का स्क्वायर 1, और 7 × 7 2 बार 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, 4 का 1 से मल्टीप्लाई तो 4, और 9 का 49 से तो 441, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है, तो देयर फॉर द ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड MCQ है द वैल्यू ऑफ x, x की क्या वैल्यू है, x पावर ऑफ 3 इक्वल टू 81 इज, तो x 3 की पावर जो x है वो क्या लिखेंगे कि 81 आंसर आ जाए। तो अगर हम ऑप्शन से करना चाहते हो तो 1 लिख के देख लो, तो 3 की पावर 1 तो 3 आएगा, 2 लिखेंगे तो 3 × 3 9 होता है, 3 लिखेंगे तो 3 × 3 × 3 3 बार हो जाएगा 27 होगा, 4 लिखेंगे तो 81 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑप्शन से आंसर आप निकाल सकते हो कि एक्स के जगह पर 1 लिखे तो क्या आंसर आना चाहिए, 2 लिखे तो क्या आएगा, 3 लिखे तो क्या आएगा, 4 लिखे तो क्या आएगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक और मेथड हमारे पास है, वो भी आपको बता देते हैं दूसरे मेथड से। 3 की पावर x है इक्वल टू 81, तो 81 को हमने क्या किया, फैक्टर किया, तो 3 3 3 3 तो 4 × 3 आया, तो एक्स 3 की पावर x इक्वल टू 3 4 times है, मतलब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 3 पावर ऑफ 4। ठीक है, तो दोनों का बेस सेम है, तो हम कंपेयर जब करेंगे तो पावर कंपेयर करें तो x इक्वल टू क्या आया 4, तो हमारी वैल्यू जो है वो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो बेस और एक्सपोनेंट लिखना है, कौन सा बेस होता है कौन सा एक्सपोनेंट होता है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में -3/7 की पावर 5 है, तो हम जानते हैं कि नीचे वाला बेस होता है, तो हम बेस इक्वल टू नीचे वाला लिखते हैं -3/7, और ऊपर वाली एक्सपोनेंट होती पावर होती तो एक्सपोनेंट इक्वल टू 5। तो रिमेनिंग क्वेश्चन आपको करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, ये मल्टीप्लाई में लिखा है तो इस तरह से लिखना है, पावर की फॉर्म में लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो 2/3 2/3 2/3 2/3, तो इसका आंसर क्या होगा, 2/3 पावर 4। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम एक क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो 2/3 को हम क्या लिखें, 2/3 पावर 4, तो इस तरीके से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एस ए रेशनल नंबर, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, ये पावर जो है उसको हटानी है और सिंगल नंबर बनाना है। तो वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, सेकंड करेंगे -3/2 पावर 4 है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं हम, तो 3/2 पावर 4 है तो इसको 4 times लिखेंगे। ठीक है, तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई 9, 9 में 3 का 27, 27 में 3 का 81, तो 81 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस की पावर इवन नंबर में, तो प्लस का आंसर आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 times होता, पावर 3 होती ओड नंबर में होती, तो माइनस में आंसर लिख देते, 4 power है इवन में, तो प्लस में आंसर आया 81, और 2 का 2 में 4, 4 का 2 में 8, 8 का 2 में 16, तो 81/16 हमारा आंसर है। तो सिंगल रेशनल नंबर में हमने आंसर लिख दिया, यहाँ पावर में था इसको हमने सिंगल नंबर में लिखा। इसी तरह से रिमेनिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द
रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, रेसिप्रोकल लिखना है। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, हम सेकंड वाला करते हैं। इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, वन लेंगे। बाकी जो मेथड है वो सभी का सेम है, ठीक है। तो हम एक ही क्वेश्चन करें सेकंड वाला, रिमेनिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं -2^3, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो स्टेटमेंट लिखेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ -2^3। तो इसके अपॉन में कुछ भी नहीं था तो हमने वन मान लिया, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन एक जैसे हो जाएंगे। तो इसके अपॉन में वन मान लिया, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो माइनस को आप ऊपर रखना चाहो तो ऊपर रख दो, है ना। लेकिन नंबर को रेसिप्रोकल का मतलब होता है अपोजिट करना। ऊपर ए अपॉन बी है तो उसका हो जाएगा बी अपॉन ए, मतलब कि नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो यहाँ पर माइनस तो ऊपर ही रहेगा लेकिन नंबर उल्टा होगा, तो 1/2 और पावर तो वही रहनी है 3³ रहेगा। तो यही हमारा रेसिप्रोकल हो गया। तो बस पावर चेंज नहीं करनी है, अंदर के नंबरों को उल्टा करना है। माइनस अगर है तो ऊपर रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर हो गया है और रिमेनिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व इट। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन करते हैं हम फर्स्ट वाला, रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है बच्चों। तो ये पूरी एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो -3/4³ है और इक्वल टू हमें लाना है -27/64। तो हमने क्या किया, सवाल लिखा और ये जो पावर है इसको हमने एक्सपेंड किया, मतलब कि जैसे किस इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो -3/4 को 3 टाइम लिखना है क्योंकि पावर 3 है, तो 3 टाइम लिखा। अब पावर 3 है, माइनस का क्वेश्चन है तो माइनस का आंसर आएगा। -3 का 3 में 9, 9 का 3 में 27, तो -27 और 4 का 4 16, 16 का 4 में 64, तो -27/64 यहाँ पर आंसर आया लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में पहले से -27/64 है। तो दोनों के आंसर सेम आ गए, तो इट इज़ वेरीफाइज, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज का और इस वीडियो का। 7 क्वेश्चन, इवेल्यूएट द फॉलोइंग एंड फाइंड इट्स रेसिप्रोकल। यहाँ पे इवेल्यूएट करना है और रेसिप्रोकल लिखना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 मान लीजिएगा, तो 6/1^5 हो जाएगी, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन सेम है। तो 3/-7³ इसको हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो 3/-7³ को हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम माइनस को ऊपर ले लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी माइनस में नहीं रहता। तो हम पहले इसको सॉल्व करने से पहले न्यूमरेटर माइनस का बना ऊपर ले लेंगे, तो -3/7³ बन जाएगा। इसके बाद इसको हम 3 टाइम लिखेंगे, तो -3/7, -3/7, -3/7, माइनस की पावर 3 है, ऑड नंबर में है तो माइनस का आंसर, और 3 × 3 = 9, 9 का 3 = 27, 7 का 7 = 49, 49 में 7 का 343। तो ये हमारा आंसर हुआ सिंप्लीफाई इवेल्यूएट का, ठीक है। अब आंसर जो आया उसका रेसिप्रोकल हमें लिखना है। तो रेसिप्रोकल ऑफ -27/343, तो रेसिप्रोकल में हमने बताया था आपका माइनस वहीं रहेगा। अगर आपको लिखना है तो नंबरों को आप उल्टा लिख लीजिए, और आप माइनस को भी अगर नीचे लेके आते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन नंबर रेसिप्रोकल करना ज़रूरी है। तो माइनस हमने वहीं रखा है और नंबर को लिखा रेसिप्रोकल में, तो -343/27 ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से आपको रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है, होमवर्क करना है बच्चों, फिर कॉपी भी कम्प्लीट करना है। थैंक यू वेरी मच।